जय साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें का पहला एपिसोड, जहां पर हम बात करेंगे केवीएस के इंटरव्यू में क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, इंटरव्यू के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो आपको उस कक्ष में, साक्षात्कार के कमरे में जो काम आने वाला है, इंटरव्यू में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से करें, इंटरव्यू की तैयारी के दिशा निर्देश, और भी सबसे ज्यादा प्रश्न जो केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप केवीएस की परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक आदि में सम्मिलित हो चुके हो तो आप इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, जहां पर हम अधिकतम अंग की पूरी तैयारी करने के लिए डे बाय डे आपके लिए ये सेशन लेकर आएंगे। जी हाँ, इस वीडियो के जुड़ने के बाद अगर आपने यहां तक देखा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आज हम आपके सामने जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जहां पर टीचिंग स्किल और इंटरव्यू के 60 अंक हैं, इस 60 नंबर की पूरी तैयारी के लिए सभी प्रकार के तथ्यों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो केवीएस का इंटरव्यू है उसकी तैयारी के लिए क्या क्या निर्देश हैं, क्या क्या चीज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं या आपको इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि क्या पहने, कपड़ा, मतलब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। जी हाँ, ड्रेस कोड महिला और पुरुष के लिए ड्रेस कोड सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, मतलब हम एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमें इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके सामने उन एक अपने आप को एक शिक्षक के रोल मॉडल के रूप में बैठाना होता है। मतलब साक्षात्कार के सामने हम, आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो उनके अंदर एक शिक्षक झलकना चाहिए और अच्छी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से हम तैयार होकर जाते हैं तो जो इंटरव्यू लेते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, चयन की संभावना बढ़ जाती है। अगर पुरुष उम्मीदवार हैं, अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, तो आपको पूरी बाजू का, जैसे हम लोगों ने पूरी बाजू का शर्ट और पैंट पहने, और कोशिश करें कि एक ठोस रंग की, जैसे ठोस रंग की अगर हम बात करें तो डार्क रंग की टाई हो, और जो आपके जूते हो ना, बूट होना चाहिए और पूरी तरह से पॉलिश होना चाहिए, और मोजे भी मैचिंग के होने चाहिए। मानी पैंट शर्ट, मतलब अगर शर्ट व्हाइट है या हल्का क्रीम कलर है या हल्का पिंक कलर है, मतलब जो उसकी टाई हो, पैंट हो, सूज हो, इन सब का कंबिनेशन होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो सूज हो वो ब्लैक कलर का ही हो, कोशिश करें, कुछ लोग रेड पहन के जाते हैं लेकिन कोशिश करिएगा ब्लैक कलर की ही हो। और अगर महिला उम्मीदवार हैं तो उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि अगर सूट पहन के जा रहे हैं तो सूट भी इस तरह से ही हो, मौसम के अनुकूल हो और पूरे बाजू बंद हो, और या साड़ी पहन के जा रही हैं तो ध्यान रहे साड़ी या सूट के अलावा अगर आप अन्य को प्रेफर करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके अंक में कटौती करेगा। मैंने अगर एक पुरुष अभ्यर्थी है तो ड्रेस कोड में पैंट शर्ट टाई ब्लेजर भी यूज कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार है तो सूट और या आप साड़ी पहनकर जा सकती हैं, साड़ी का चुनाव कर सकती हैं। महिला या पुरुष उम्मीदवार जींस या कोई अन्य डेनिम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके नकारात्मक अंक पर पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर महिला उम्मीदवार है तो सिंपल हल्के रंग की साड़ी या सूट पहनना चाहिए, नाखून को ट्रिम किया जाना चाहिए, महिलाओं के लिए ध्यान रहे नाखून ट्रिम होना चाहिए और पॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि खूब पॉलिश वॉलिश करके जाते हैं, ध्यान रहे नाखून पूरी तरह से कटे हों, महिलाओं के लिए पुरुष के लिए भी नाखून कटे हों और वो पॉलिश नहीं हो, जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं महिलाएं नाखून पॉलिश करके जाती है, तो इनसे बचिएगा। बालों को ठीक तरह से कंघी करना चाहिए, मतलब बाल जो हो ठीक तरह से हो, ज्यादा हाई मेकअप से बचना चाहिए, जैसे बहुत सारी महिलाएं होंगी जो हाई मेकअप करती है तो हाई मेकअप से भी आपको बचना है। और हमेशा ध्यान रहे एक सादा पर्स काम करेगा, मतलब पर्स बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा सादा पर्स काम करेगा। इंटरव्यू में फैंसी चीजें ले जाने बचे, मैंने इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो जो फैंसी चीज है उनको ले जाने से आपको बचना है। कपड़े साफ हो, इस्त्री की हो, प्रेस की हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन सभी के लिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा, जिसे हम ड्रेस कोड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको इस समझ में आ गया होगा तो हम इसके आगे बात करेंगे। हमने एक लाइन में पूरी तरह से समझ लिया है कि ड्रेस कोड का खासा ख्याल रखेंगे,
मौसम के साथ साथ हम पूरी तरह से जो हमारा पहनावा होगा वो दिखावेपन की तरह नहीं होगा, वो कहीं इस तरह से ना हो कि जैसे महिलाओं में मेकअप ज्यादा हो, पुरुषों में तो बाल खड़े हैं, घुस गए हैं, ऐसे इस तरह से नहीं करना है। ये सलाह दी जाती है कि पहले स्कूल का दौरा करें, सामान्य बुनियादी ढांचों का निरीक्षण करें, माने आप पहले तो केवीएस के बारे में जान लें, केवीएस क्या है, उसके बाद किसी स्कूल में जाए, केवीएस हो या सामान्य स्कूल हो, और वहां पर अपने इंटरव्यू से पहले स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करें। स्कूल के मिशन क्या है, विजन क्या है, पाठ्येतर गतिविधियां क्या है, शैक्षिक कार्यक्रम और स्कूल के बारे में अन्य सभी जो जानकारी है वो अपने पास इकट्ठा कर लें। सभी केवीएस से संबंधित जितने भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सरकारी क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या पहुंच रहा है, ठीक है, नई शिक्षा नीति क्या है, एनसीटी की गाइडलाइन क्या आई है, एनसीईआरटी की क्या चल रहा है, किताबें क्या आ रही हैं, 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9, 10, 11, 12, इनमें जो एनसीईआरटी किताबें चल, उनका नाम क्या होता है। जैसे सपोज दैट अगर पूछ लिया जाए कक्षा 3 में पर्यावरण की कौन सी किताब है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए आसपास। अगर इंग्लिश की पूछ लिया जाए कि कक्षा 4 में इंग्लिश के लिए क्या चलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 4 में अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका क्या नाम है। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना कि सर मैरीगोल्ड है। अगर पूछा जाए गणित का नाम क्या है, जो गणित चलती है, कह दिए गणित का जादू। इस तरह इतिहास कक्षा 7 में कौन सी है, हमारा अतीत है। कक्षा 7 में भूगोल क्या है, पर्यावरण है। तो इस तरह से आपको विषयों के नाम याद होने चाहिए, किताबों के नाम जो आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि एनसीईआरटी पर भी पूरा फोकस्ड होता है इंटरव्यू आपका, उसके साथ साथ आपका टीचिंग स्किल पर भी, आगे हम इस पर बात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने स्कूल और शहर के बारे में बेहतर जानकारी कर लें। स्कूल उसके क्षेत्र बारे में पूछ सकते हैं जहां वो स्थित है, मतलब जहां पर उनका घर है, इसलिए स्कूल और शहर के बारे में जानकारी ले, ग्रामीण स्कूल कैसे हैं, शहरी स्कूल क्या है, सरकार की योजनाएं किस तरह से होती हैं। इसके लिए हम भी वीडियो बना के देंगे, क्योंकि केवीएस की पूरी हम इंटरव्यू के सेशन पूरा चलाएंगे, उस सेशन में हम क्रमवार रूप से डे बाई डे आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे। लाइव होने जैसे इंटरव्यू कक्ष में जाने से पहले दोस्त या परिवार की मदद से जो इंटरव्यू में ज्यादा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अभ्यास करें। उसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एक मॉक इंटरव्यू चल रहा है। उस मॉक इंटरव्यू में आप स्वयं जाकर उसमें इंटरव्यू में जो ज्यादातर सामान्य सवाल पूछे जाते हैं उन सामान्य सवाल की पूरी विधिवत जानकारी ले सकते हैं, और आप उस इंटरव्यू में खुद सम्मिलित हो सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से निःशुल्क सेशन चल रहा है, आप अपने मित्रों के साथ और खुद भी जोड़ सकते हैं, जिसका नंबर भी आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए जो दस्तावेज, जो बायोडाटा है, अपना जो डॉक्यूमेंट है पूरा, उसको कवर लेटर और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को जरूर ले जाएं, क्योंकि जिस समय इंटरव्यू हो रहा होगा, साक्षात्कार जो साक्षात्कार करता है उस इंटरव्यू के समय पोर्टफोलियो की मांग कर सकता है। सभी दस्तावेज, सभी डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों की फोटोकॉपी को एक फाइल फोल्डर में व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है। मतलब क्रम से, पहले हाई स्कूल हो, फिर मतलब 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट की मार्कशीट, उसके बाद अन्य जैसे जाति प्रमाण पत्र हैं आपके, अन्य प्रमाण पत्र हो, तो जो आपकी क्रम है उस क्रम में आपको लगाना है, और उसकी एक फोटोकॉपी भी सेट उसी क्रम में आपको रखनी होगी। ध्यान रहे, में सभी दस्तावेज और दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फाइल या फोल्डर व्यवस्थित करने की भी सलाह दी जाती है कि भाई आप इसको भी रखिएगा। जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार को साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान शांत और रचनाशील रहना चाहिए, धैर्य खोए बिना प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए, धैर्य नहीं खोना है, प्रश्नों के जवाब देना है। अगर हम बात करें केवीएस के इंटरव्यू के लिए, जो भी बच्चे, स्टूडेंट, अभ्यर्थी या उम्मीदवार करंट में जो समाचार है, समसामयिकी है, उससे अवगत रहना चाहिए। शिक्षकों से अच्छी तरह से ये अवगत होने की उम्मीद की जाती है कि जो एक शिक्षक बनने जा रहे हैं वो करंट अफेयर से अपडेट होंगे, जैसे भी कहाँ पे भूकंपी घटना घटी है, कहाँ पर अभी बजट पेश हुआ है, बजट में क्या रहा है, शिक्षा क्षेत्र में बजट में क्या काम हुआ है, इन पर भी आपको फोकस रहना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक सभी के लिए होंगे। और केवीएस
का इंटरव्यू कितने समय के लिए होता है? एक सवाल एक कॉमन है कि सर कितने मिनट तक का इंटरव्यू होगा, तो याद रहे 15 से 20 मिनट, 12 मिनट, मतलब 12 से 20 मिनट के बीच आपका इंटरव्यू होगा। जितना लंबा आपका इंटरव्यू चलेगा उतना मार्क आपके अच्छे होंगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे आप गए 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कहेगा ठीक है आप जाइए, इसका मतलब आपके मार्क्स कम हुए। जितना लंबा इंटरव्यू खींचेंगे आप उतना अच्छे मार्क आपको मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि इस 20 मिनट का जो समय होगा आपका, 12 से 20 मिनट का जो समय होता है, इस दौरान इंटरव्यू लेने वाले व्यक्तिगत प्रश्न, कार्य अनुभव के बारे में, विषय पर भी प्रश्न आपके पूछेंगे। आपका पसंदीदा विषय क्या है, टीजीटी पीजीटी में जो आपके विषय जिससे आप देने जा रहे हैं, या अगर पीआरटी में है तो अपने जिस विषय का आपका चुनाव, जिस विषय की तरफ आपका झुकाव है उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उस पर भी हम कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो आपको इंटरव्यू के समय काफी काम आने वाली है। मोबाइल फोन या अन्य जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कोशिश करिएगा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहन कर ना जाए, आप एनालॉग क्लॉक पहनिएगा, डिजिटल क्लॉक नहीं, ठीक, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, फोन साइलेंट मोड में हो या उसका कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो साइलेंट मोड में हो, और जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय उत्तर शांत और संयमित तरीके से दें, विनम्र रहे, हर प्रश्न का उत्तर आत्मविश्वास के साथ दें। जितने भी प्रश्न का जवाब आप दें उन सभी प्रश्नों का जवाब आत्मविश्वास के साथ दें। जिन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं पता उनको बताइएगा, सॉरी सर, मतलब मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं पता, तो सॉरी सर कह के आप नए प्रश्न के पूछने के लिए कह सकते हैं। ध्यान रहे जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को संबोधित करने के लिए सर या मैडम का ही प्रयोग करेंगे, पुरुष है तो सर और महिला है तो मैडम। इस तीसरी बात, जिस समय आप टीचिंग स्किल चल रही होगी उस समय वो आपके सामने बच्चे की तरह होंगे, उन्हें आपको बच्चे की तरह पढ़ाना होगा, लेकिन जिस समय इंटरव्यू दे रहे होंगे उस समय उन्हें सर और मैम का ही प्रयोग करेंगे। उत्तर लापरवाही से ना दें, ध्यान रहे जो भी प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाए उनके उत्तर को लापरवाही के साथ आपको नहीं देना है। विस्तृत विवरण की आवश्यकता वाले प्रश्नों के लिए अनुभव के आधार पर व्यवहारिक या जीवंत उदाहरणों का उल्लेख करें। यह अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीवंत उदाहरणों का भी उल्लेख करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और जैसे कि जब हम किसी भी का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो व्यावहारिक जीवन पर उदाहरण दें जो सभी लोग जिससे परिचित हों। कोशिश करिएगा कि व्यावहारिक का मतलब जो हमारे उस जिले के हो, राज्य के हो, या देश के हो, या जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, परिचित हों उन पर भी। मैं इससे क्या होता है, जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, जो इंटरव्यू हमारा लेते हैं, उन पर एक मजबूत प्रभाव हमारी तरफ से उनके ऊपर पड़ेगा। हमेशा सकारात्मक रहने की जरूरत पड़ती है, हमें सबको हमेशा सकारात्मक रहने की जरूरत पड़ती है, और समाज, छात्रों और देश में पक्ष में सवाल का जवाब दें। हमेशा सकारात्मक जवाब देना है, याद रहे हमेशा सकारात्मक जवाब देना है। समाज हित में, छात्र और देश के हमेशा पक्ष में जवाब देना है। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनको आपको लगेगा कि क्या प्राइमरी स्कूल, क्या सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जा सकती है, तो ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ गए इनका उत्तर आपको हमेशा सकारात्मक देना है। प्रायः आपने देखा होगा कि राजस्थान में मटका छूने को लेकर एक हुआ था कि ये अछूत है, छुआछीत को लेकर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बच्चे को पीट पीट के हत्या हो गई थी। तो इस तरह के सवाल को भी आपसे पूछा जाएगा जो समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमेशा सकारात्मक जवाब देना है, नकारात्मक आपको जवाब नहीं देना, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। कभी किसी देश के बारे में पूछा जाए तो अपने देश के ही पक्ष में अपनी बात रखना है, हमेशा बच्चों के पक्ष की बात आपको रखना है। इन बातों का भी इंटरव्यू कक्ष में आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप सभी को जाननी चाहिए और मुझे लगता है आपको भी पता होगा, एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज पहले प्रयास में इंटरव्यू क्लियर करने में काफी मददगार होगी। दूसरी, यदि जो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, जो साक्षात्कारकर्ता है, कुछ सुझाव दे रहा है या कुछ बता रहा है, तो उसकी बात को सुनकर वो कुछ बता रहा है, जैसे कह रहा है कि अगर क्या ऐसा किया जाए कि जो सरकारी स्कूल में लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा हो और दाखिला भी खूब ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए, या आपकी दिशा में, अगर वो कोई सलाह दे रहा है या कोई प्रश्न पूछ रहा है उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें, बीच में उनके प्रश्न को काट कर ना जवाब दें, या जैसे उनको लगे, जैसे पूछा कि आपके पिताजी का, तो समझ लिया आपके पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, इतने बता दिए हमारे पिताजी का नाम,
जो भी आपके पिताजी का नाम हो एक्स वाई जेड बता दें, ऐसा नहीं करना। उनके प्रश्न को खत्म होने के बाद ही आप जवाब दें। दूसरी बात, ध्यान से सुने, जो कहा जा रहा है उसके प्रति सचेत रहें, और ना समझ बड़बड़ाने की वजह से, ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे जवाब देते ऊपर देख के, सर पढ़े थे, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपकी नहीं, सबसे बचना चाहिए। ना समझ नहीं बनना है, बड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और उत्तर देने के लिए उनके जैसे आई कांटेक्ट जो होता है बहुत मायने रखता है, उनके उनको ध्यान से जो भी सवाल पूछे उनको ध्यान से देखते रहिए, और अपने मन में सोचिए उस प्रश्न का, उसके बाद जवाब दीजिए। इस तरह से नहीं ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, इन चीजों से आपको बचना है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप लोग को भी जानना है कि कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केवीएस इंटरव्यू बाहर निकलते समय क्या करना चाहिए। जैसे कुछ लोग को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कक्ष के बाहर कैमरे लगे होते हैं, उसमें भी आपकी निगरानी की जाती है कि आप वहां के बैठे कैसे हैं, अंदर आने के बाद बाहर जाने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कक्ष के बाहर बैठे हैं तभी से आपका, मतलब जब आप उस इंटरव्यू के लिए जहां पे होना है वहां पे अगर पहुंच गए अपने सेंटर पे, तो वहीं से आपके इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि कैमरे की नजर में आप होते हैं। तो बिना किसी आभार के साक्षात्कार कक्ष को छोड़ना अनादर दिखता है। जैसे अगर आपका इंटरव्यू खत्म हो गया जाने के लिए कहेंगे, तो उनको तहे दिल से थैंक यू कहना है, उसके बाद जाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता रहे, अरे तो क्या कैसा रह गया। तो यह हमेशा सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आभार व्यक्त करना ना भूले। उम्मीदवार उन शक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं जो उनके नौकरी के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अपनी कमजोरियों का सीधे तौर पर उल्लेख किए बिना थोड़े समय में उन्हें दूर करने की इच्छा व्यक्त कर सकते। जैसे आपका कोई वीक जोन पूछ ले, तो ये मत कह हमारा ये वीक जोन है ये हमेशा से रहेगा, हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए यह वीक जोन हमारा कैसे खत्म होगा, मतलब कम समय में कैसे खत्म हो जाएगा, इस पर भी उन्हें ध्यान देना। से कुछ लोगों की कमजोरी सीधे तौर पर उल्लेख किए बिना थोड़े समय में उन्हें दूर करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कारकर्ता, जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, को नौकरी में रुचि व्यक्त करें। जैसे वो पूछते हैं कि आपकी रुचि कैसी है, तो इस पर भी मैं जैसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपसे भी मैं डायरेक्ट इंटरव्यू लूँ। तो आप भी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस इंटरव्यू में सम्मिलित हो, तभी आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके खुद भी जुड़ेगा और अपने सभी मित्रों को जोड़ कर रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो वे अपनी भविष्य योजनाओं के बारे में बता सकते हैं कि छात्रों के साथ कैसे बातचीत करेंगे, उनका शिक्षण पेशा, उन्होंने शिक्षण पेशा ही क्यों सुना है, वो क्यों शिक्षक ही बनना चाहते हैं, इस पर भी आपको बात करनी है, इस पर भी अपने सकारात्मक बात को रखनी है। इसके लिए भी मैं जब इंटरव्यू के सेशन को मैं जब आगे लेकर आऊंगा इस टॉपिक पर भी, मतलब मैं कोशिश करूंगा जो टॉप के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देने हैं, तो इस पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके ऐसे सवालों का भी हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि उम्मीदवार को हमेशा नौकरी, जो जिस नौकरी के लिए एक शिक्षक बनने के जा रहे हैं, उसमें हमेशा रुचि व्यक्त करनी चाहिए। इसमें आपकी रुचि है, और अपने भविष्य की योजना के बारे में बता सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या करेंगे, स्कूल के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे, और उन्होंने शिक्षक बनना ही क्यों चुना है। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, और आप सभी को ठीक है। अगर कुछ प्रश्न की बात करें, वैसे मैं यहाँ पे कुछ 4-5 प्रश्न आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ, वैसे मैं इसके सेपरेट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर हम इन सभी के बारे में क्रम रूप से करके बात करेंगे। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वे सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहेंगे। वैसे मैं कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जहां पर ये आपकी कुछ मदद इस तरह से करेंगे ताकि हम और आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे। यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ जो आपको मॉक इंटरव्यू में काफी मदद करेगा, ठीक है। मॉक मॉक इंटरव्यू के लिए आप एक नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर का प्रयोग आप करिएगा, व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, अपने जिले का नाम भेजिएगा, जहाँ से आप सभी साथी, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे एक नंबर आपको शायद बोर्ड पे दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ लाइव होंगे उन सबको दिख रहा होगा। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप इस नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर थोड़ा सा एरर हो गया, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, एक मिनट मैं आपका समय लेना चाहूंगा। आपके बोर्ड पे एक नंबर दिख रहा होगा 94-51-0-78, यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट इंटरव्यू के लिए इस नंबर पर अपना नाम, अपने जिले का नाम भेजेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन गूगल फॉर्म, उस फॉर्म को भर दीजिएगा और हम आपके साथ लाइव इंटरव्यू करेंगे, और आपको भी इंटरव्यू में जाने से पहले एक लाइव इंटरव्यू का अनुभव भी मिल जाएगा, और उस अनुभव के साथ साथ हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।
एक पहला प्रश्न होता है जो सबसे पूछा जाता है, एक तरह से कहा जाए तो ये कॉमन प्रश्न है, हमें अपने बारे में बताएं। ये सवाल लगभग जितने भी उम्मीदवार जाएंगे, जितने भी अभ्यर्थी जाएंगे, उन सभी से पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके उम्मीदवार को प्रत्यक्ष और बिंदु तक होना चाहिए, मतलब उन्हें अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अपने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में बात करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा भविष्य पर भी बात करने पर ध्यान देना चाहिए। वे केवीएस में रहने के दौरान उन लक्ष्यों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करने की योजना बना रहे हैं, माने अपने बारे में बताने के साथ साथ भूतकाल की जगह भविष्य काल को बताएं, और अपने साथ केवीएस को कहां लेकर जाएंगे इस बात को भी बताना ना भूले। एक सवाल और कॉमन पूछा जाता है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? केवीएस के इंटरव्यू में कॉमन सवाल है, पूछा जाता है आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ये भी एक कॉमन सवाल है। तो साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो एक शिक्षक के रूप में उम्मीदवार के भविष्य की योजनाओं के बारे में जानने के उत्सुक होता है, रुचि रखता है कि अच्छा अगर आप एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तो आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है। कोई झूठी इच्छा है इंटरव्यू को क्लियर करने में मदद नहीं करेगी, कभी ध्यान देना हमेशा इस बात को कि झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बातें आपके सामने रखनी है, सकारात्मक रखनी है, तो झूठी दिलासा नहीं देना है, उत्तर सकारात्मक और वास्तविक होना चाहिए, उन्हें तार्किक और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए, जिस तरह सवाल हो उसी तरह से उसका जवाब हो। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, तो जो इंटरव्यू लेते हैं ना, जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, वो ये जानते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, वो छात्रों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में परिपूर्ण है या नहीं। उम्मीदवारों को अपनी ताकत को उजागर करना चाहिए, वो अपनी ताकत को बताएं लेकिन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, वो अपनी ताकत को बताएं लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको सभी को। साथ ही किसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मुझे कोई कमजोरी नहीं है, यह नहीं करना चाहिए, यह अति आत्मविश्वास द्वारा, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मुझ में कोई कमी ही नहीं है, यह अपने अति आत्मविश्वास को दिखाता है, यह घमंड के भाव को दिखाता है, कमियां सब में होती है, लेकिन अपने कमी को कोशिश करिएगा ऐसा बताने का जिससे केवीएस के और आपके शैक्षिक भविष्य पर प्रभाव और बच्चों के रोल मॉडल पर प्रभाव ना पड़े, कि आप उनके एक रोल मॉडल हैं उन पर आपका प्रभाव पड़े। उम्मीदवार को अपने शौक और रुचियों के बारे में बता सकते हैं, अपने शौक और अपने रुचि को बताने से पहले हमेशा याद रखिएगा उन पर भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको भी आपको तैयार करके जाने होंगे, और समझा सकते हैं कैसे छात्रों की वो ताकत बनाएंगे और उनकी कमजोरी को दूर करने में उनकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार सवाल पूछाते हैं कई कि आप केवीएस में आने वाले विदेशी छात्रों की देखभाल कैसे करेंगे। ये पूछा जाता है कि आप केवीएस में आने वाले जो विदेशी छात्र हैं उनकी देखभाल कैसे करेंगे, या ये पूछा जाता है आप केवीएस में आने वाले उन ग्रामीण बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे। ये दो सवाल पूछा जाता है, ग्रामीण और एक विदेशी। जो अभ्यर्थी होंगे उनसे संबंधित स्वभाव के बारे में बात करनी चाहिए कि वह विदेश से आने वाले या गांव से आने वाले बच्चों के साथ कैसे दोस्ताना व्यवहार करेंगे। फिर यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह सहज है या नहीं। इसके अलावा वे ये बता सकते हैं कि छात्रों को परिसर से परिचित कराने में मदद करेंगे, उन्हें पर्यावरण से परिचित कराने में मदद करेंगे, बच्चों के साथ समस्या शिक्षा की तरह हम उनके साथ सभी बच्चों को सम्मिलित करके हम एक दूसरे के साथ उनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे, बच्चों के साथ एक मित्रवत संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो एक कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें तो जितने भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं एक कठिन परिस्थिति में या एक उम्मीदवार की प्रतिक्रिया की जांच करने और उनके उत्तरों के माध्यम से उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए यह इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। मतलब आप रिटर्न एग्जाम जो एमसीक्यू मेथड में आपने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया है उसको क्लियर करने के बाद या उनके कट ऑफ से ऊपर आने के बाद आपको संयमित रहना है और अपनी क्षमता के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार इंटरव्यू का राउंड क्लियर करने के बाद आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना कि अगली चरण जो है वो टीचिंग स्किल के है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें कदम से कदम चलना है, और आगे भी हम जो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जैसे क्या केवीएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू को क्रैक करना कठिन है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, साक्षात्कार में विषय संबंधी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जैसे जो टीजीटी के लिए हैं,
पीजीटी के लिए हैं या पीआरटी के लिए हैं, म्यूजिक के लिए हैं। इंटरव्यू देने के लिए ड्रेस कोड क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो इंटरव्यू हो उसकी अवधि क्या होगी, उसका समय क्या होगा, साक्षात्कार का इंटरव्यू का भारांक क्या होगा, तो इन सभी चीजों पर हम एक एक कर कर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हम जो भी आपके सवाल है उन सभी सवालों पर एक एक करके वीडियो बनाए और आपके सभी सवालों का, सभी चीजों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये वीडियो इन लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और इन लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासे लेकर आता हूँ और आता भी रहूंगा। तो इंटरव्यू जो केवीएस की सीरीज है, ये क्रमवार स्टेप बाय स्टेप डेली आपकी चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन लर्निंग विद दुर्गेश के साथ खुद का अपना मॉक इंटरव्यू दें और उसे हम सभी मित्रों के साथ शेयर करें, तो आप भी यहाँ पर एक दिया गया नंबर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, मॉक इंटरव्यू के लिए 94-51-068-078, इस पर व्हाट्सएप करेगा अपना नाम और जिला लिखकर, और इन लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज इन लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपके लिए अहम और आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है, तो आप अगर आपके केवीएस इंटरव्यू से जुड़े कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इन लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इन लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप जैसे इंटरव्यू का जो फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए इन लर्निंग विद दुर्गेश के लिंक है जो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले लेंगे, वहां से पूरा फॉर्म आपको मिल जाएगा कि जो इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको जो फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को कैसे भरना है, उस फॉर्म में क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, किस चीजों पर इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान उनकी तरफ होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। केवीएस के इंटरव्यू के जो सेशन है ये डे बाय डे आपके लिए आती रहेगी। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जय हिंद, जय भारत। केवीएस इंटरव्यू सेशन आगे भी चलता रहेगा, और आपके कोई सवाल हो, आपके कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके लिए इस साल के पूछे जाने वाले केवीएस के संभावित प्रश्न भी आपके लिए लेकर आएंगे। केवीएस इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी पीआरटी और म्यूजिक के साथ साथ उन सभी तथ्यों पर फोकस करेंगे जो आपको एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनाने में, अपने परिवार का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ तक कि दूरी अगर आपने तय कर ली है तो अगली दूरी हम आपके साथ मिलकर तय करेंगे और आपको इस रेस का विजेता बनाएंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। उम्मीद करता हूं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो यहाँ पर आपके दिख रहे होंगे कि इंटरव्यू टिप्स क्या क्या थे, ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्या होते हैं, तैयारी और निर्देश क्या है, शुरुआत कैसे करें, इंटरव्यू में क्या करें और क्या ना करें, सभी टॉपिक को मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिवारा देखिएगा, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर ना हो जाए। आपका कोई भी और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कौन से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, केवीएस पीआरटी है, टीजीटी या पीजीटी या म्यूजिक का, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा सभी लोग, और हम आपके साथ मॉक इंटरव्यू टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो आप भी जुड़िएगा अपने सभी साथियों मित्रों के साथ, ताकि हम इंटरव्यू में पूछे जाने सवालों को आपके साथ लाइव इंटरव्यू करा सके इन लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद।